मेरा HbA1c 5.3 है, यहाँ पे है ये। अच्छा 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 फाइव ठीक है, ये दिख पॉइंट नहीं रहा, थ्री थोड़ा सा और दिखाइए, नजदीक कैमरा के सामने लाइए। दिख रहे, हाँ फाइव फाइव पॉइंट पॉइंट थ्री हाँ ठीक है, अभी ठीक है, समझ गया मैं। आप ये बताइए पहले कितना था आपका? पहले 2.5 लगभग, February 27 में कराया था, 6 था। तो 6 था, उस समय भी ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी और कम हो गया है, तो बहुत बढ़िया हो गया है ना। जी 10 महीने पहले मेरे को शुरू में डायलिसिस किया था, वो तो 11.5 था उस समय। 10 महीने पहले 11 था। जी तो 11 था। जितने लोग भी देख रहे हैं और जो लोग सोचते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल नहीं है, कुमार जी आप थोड़ा सा, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज उनको थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या किया, और थोड़ा सा लोगों को ये भी बताइए कि वो भी कर सके, कि वो भी डायबिटीज। देखिए आपने मेरा कोचिंग लिया नहीं है लिया मेरा कोचिंग, कोचिंग नहीं हुआ, आपने नहीं मेरा आपका वीडियो कंसल्टेशन बहुत लिया आपने मेरा कंसल्टेशन लिया है। नहीं आपसे आपने बात तो मुझे इससे पहले, 1 हफ्ता पहले ही एक हुआ भी पैसा दिया आपने मेरे को, एक भी पैसा दिया आपने, नहीं, फिर भी नहीं डायबिटीज दिया। रिवर्स किया, डायबिटीज फिर रिवर्स भी किया बोलो, नहीं भी आप बोलो, मेरा शाम का ग्लूकोज लेवल थोड़ा ज्यादा आता है, ये कितना प्रॉब्लम। आता है, कितना है? ये मॉर्निंग फास्टिंग तो आता है, यही 80 से 90 के बीच में आता है, और पीपी वाह पीपी आता है दिन दिन का खाना के बाद का, वो भी सही आता है, वो भी 100 के बराबर ही आता है, 100 105 ऐसे आता है। जब मैं इवनिंग में 6 बजे खाना खाता हूँ वो वाला ज्यादा आता है, 140 कर जाता है, 150 60 65 150। ही हो तो जाता है। अभी थोड़ा सा रिवर्सल, पूरा कंप्लीट रिवर्सल नहीं हुआ है, आपका रेमिशन हो गया है, ठीक है, इसको हम रेमिशन बोलते हैं। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो वो भी हो जाएगा, वो भी नहीं जाएगा 140। हो सकता है आपका मीटर भी थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हो, है ना। आप एक जीटीटी टेस्ट करिए, वो तो पास हो गया, GTT तो जीटीटी मैं 2 दिन पहले ही कितना आया, किया था। कितना आया जीटीटी टेस्ट में? GTT टेस्ट में 100 137 आए 137 2 घंटे बाद, है ना। 2 घंटे बाद। जी हाँ तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोमीटर कई बार रीडिंग सही नहीं देता है। तो आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर चुके हैं, जीटीटी टेस्ट भी आपने पास कर लिया, तो थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी बताइए कैसे किया, ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि आधा लोग जो है ना वो मानते ही नहीं कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, पहली चीज, और दूसरी चीज उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलता। अगर आपको मोटिवेशन मिल जाए, अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा सा आप ये कहे कि भाई मुमकिन है, मुमकिन है, ठीक है, मैं अपने आप को सिर्फ यही कहता था कि मुमकिन है, मैं डायबिटीज रिवर्स करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना समय लगे, मैं अपना डायबिटीज रिवर्स करके रहूंगा, और मैंने किया। तो जब तक वो माइंडसेट नहीं रहेगा आप लोगों का, तब तक नहीं कर सकते। क्या आपका माइंडसेट वैसे था? मैं तो शुरू में तो मेरा माइंडसेट नहीं था ऐसा, हाँ शुरू में नहीं पॉजिटिव था। था। हाँ आपके आपके वीडियो देखने के बाद तो पूरा मैं इतना कंसिस्टेंटली मैं फॉलो किया कि पूछिए मत, कैसे बताऊं। मैं चावल तो मैं 3 महीने नहीं खाया, मैं पहले वीडियो में भी बताया था। सब्जी खाने के बहुत बोला था, मैं सब्जी खाता था, कॉलीफ्लावर और ये नट्स सीड्स वगैरह बहुत, मैं तो 4 4 किलो लेके आता था एक ही बार में, 1 महीने के लिए 4 किलो नट्स, 2 किलो सीड्स, 6 किलो खाता था। कॉलीफ्लावर, हाँ ये ब्रो क्या ब्रोकोली, ये कैबेज वगैरह, कैप्सिकम, बहुत सारे वेजिटेबल, और ऑयल का भी वीडियो है आपका, वो मस्टर्ड ऑयल और घी और कोकोनट ऑयल, तो आपका यही खाता था कोलेस्ट्रॉल मैं। लेवल कैसा है? ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है? वो तो मैं चेक कराया ही नहीं है, वो अच्छा वो पहले नहीं तो थोड़ा कराए, ज्यादा ठीक था कोलेस्ट्रॉल, है ठीक है। तो और एक्सरसाइज। थोड़ा सा आपने अगर ये जो जितने लोग भी देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे को जितना फायदा हुआ वो तो, मैं तो अभी तो मेरे को, मैं तो समझ रहा हूँ, मैं तो रिवर्स ही हो गया, वो इवनिंग वाला थोड़ा सा ज्यादा है, उससे क्या होगा पता नहीं है। शरीर बता रहे कि मैं पूरा फिट हूँ, अच्छा हूँ, ये डायबिटीज रिवर्स हो गया, इतना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप सब।
विश्वास करना चाहिए, आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, वहीं से सब ज्ञान मिल जाता है। मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं तो दवाई, अब मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया, मैं भी यही सोच रहा था। आपने जो 200 से कम, 180 से कम है तो दवाई छोड़ने के लिए बोला, मैं उसी दिन छोड़ दिया। वो वीडियो देखने के बाद दवाई के मैं तो हाथ ही नहीं लग रहा। मेहनत ज्यादा किया सर, मेहनत बहुत किया, 3 घंटा एक्सरसाइज किया, रनिंग किया, बहुत किया। तो उसका फल बाद भी में मिला आपको। जी फल बहुत बहुत फल मिला, बहुत फ्रूट भी वही एप्पल और ये आवाकाडो बोला था ना हमने, आवाकाडो भी खाता हूँ मैं डेली, एक छोटा वाला। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये जितना भी है इसमें आपको ऐसा लगा कहीं पे कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये खाना? नहीं लगा, नहीं लगा वो, बहुत मतलब जितना आपके फायदा हो रहा है, जितना मुझे फायदा हो रहा है वो खाने से, मुझे कोई एक्सपेंसिव नहीं लगा। उतना हो जाता है, उतना आदमी चाहे तो कर सकता है उतना। कर सकता है ना। हम अच्छा, ये दूसरे चीज वो तो खाते थे ठीक है, लेकिन तो थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं कि आपके इस डाइट को फॉलो करने, इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने से पहले कितना खर्चा आता था और ये लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद खर्चे में कितना डिफरेंस आया, वो तो मैं समझ गया कि डायबिटीज रिवर्स अगर आप करेंगे तो उसकी वैल्यू ही अलग है। वो हेल्थ का तो किसी के साथ मोल ही नहीं है उसका, वो इन है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए तुलना करूं तो खर्चा ज्यादा हुआ कम हुआ, अगर ज्यादा हुआ तो कितना हुआ या फिर कम हुआ, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। वो मैं बताता हूँ, पहले से कम खर्चा हुआ। लगता है हम थोड़ा महंगा वाला खरीद रहे हैं, पर हम पहले जूस पीते थे, बार बार ये चावल खाते थे, उधर के रेस्टोरेंट में जाके बहुत सारे चीज खाते थे, चाउमीन वगैरह खाते थे। वो काउंट करेगा तो इसका तो, ये तो एक बार खाना है, सुबह खाना है, दो इवनिंग में खाना है, उससे खर्चा कम होता है इसमें। कम हो गया ना, मतलब बाहर के कम खा रहे हैं, बाहर के खा ही नहीं रहे हैं, उल्टा पुल्टा खाई नहीं नहीं खा रहे, रहे हैं, बार बार नहीं नहीं खा खा रहे रहे। हैं, है ना। तो खर्चा तो हाँ अल्टीमेटली शुरू में लगता है कि एवोकेडो खा रहे हैं तो बहुत महंगा है, या ऑलिव ऑयल खा रहे हैं तो बहुत महंगा है, या नट्स एंड सीड्स खा रहे हैं तो बहुत महंगा है। ये एक्चुअली मेरी भी मानसिक स्थिति वैसे ही था। मैं भी, मुझे लगता था कि मैं कैसे अफोर्ड करूंगा, ठीक है, मुझे भी जी जी लगता था कि मैं कैसे अफोर्ड करूंगा, अगर मेरे पास 100 रुपया ही है तो मैं 100 रुपया ही खर्चा कर सकता हूँ, है ना। तो बिल्कुल सौ बिल्कुल रुपये में आप कैसे खर्चा करेंगे वो आपके ऊपर है। तो मैंने सारे, मैं पहले बाहर से खाना मंगाता था, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं फिर बिस्किट और अनाप शनाप बहुत खाता था, फास्ट फूड बहुत खाता था, स्ट्रीट फूड बहुत खाता था, मैंने वो सारे चीज छोड़ दिया। जूस में एक एक बोतल जूस, 80 रुपये का जूस एक बार में पी जाता था, वो मैंने सारे बंद कर दिया। तो जैसे ही मैंने सारे चीज बंद कर दिया तो वो बाकी खाना मुझे तो बहुत सस्ता लगने लगा। भले ही नट्स आप खरीदेंगे 1000 रुपये किलो शुरू में लगेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1 किलो का नट्स आपने एक दिन में खत्म कर दिया। 1 किलो नट्स तो 15 दिन, 15 दिन चल जाता है चल दिन में। तो जाता है मैं हाँ दिन में जी। ये कितना, 10 10 12 पीस लेता हूँ। दस बारह दस हाँ बारह पीस नमस्कार लेता सर। हूँ, 4 किलो 1 महीने में मेरा पूरा हो जाता है। जी, जो बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया, बाकी लोगों को भी बताया। कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने अपने डायबिटीज रिवर्स किया, बीटीटी टेस्ट भी पास किया, तो आपका एचबी1C। दिन है सर, आपका दिन है।